हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, ताला तोड़कर शटर ऊंचा कर गल्ला से 50,000 रुपए ले भागे। साणे राव पुलिस गश्त को धता बताते हुए अज्ञात चोरों ने मंगलवार की रात 2-3 बजे लगभग साणे राव फालना तिराहे पर स्थित एक देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान पर अज्ञात चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाते हुए दुकान का ताला तोड़कर शटर तोड़कर अंदर से गल्ले की पेटी जिसमें दिन भर की बिक्री के लगभग 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरों की सूचना के बाद साणे राव थाना अधिकारी सरजिल मलिक मई पुलिस दल के मौके पर पहुंच स्थिति से अवगत होकर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार के साणे राव फालना तिराहे पर देसी व अंग्रेजी शराब की दुकान पर कार्यरत सेल्समैन बलवीर सिंह ने बताया कि वो पिछले एक सप्ताह से इस दुकान पर कार्यरत है तथा रात को अंदर ही सोते हैं। मंगलवार अक्षय तृतीया पर काफी विवाह समारोह होने से दिन भर शराब की अच्छी खासी ग्राहकी हुई। रात 8 बजे बाद दुकान पर ताला लगाकर पिछले दरवाजे से अंदर आकर खाना बनाकर रात करीब 10 बजे सो गया था तथा 1 बजे करीब पानी पेशाब कर फिर सो गया। सुबह उठकर देखा तो शटर का ताला टूटा हुआ था तथा शटर को लोहे के सरिये से ऊंचा किया हुआ था। अंदर जाकर देखा तो दिन भर शराब की ग्राहकी के लगभग 50,000 रुपए से भरा हुआ गल्ला गायब था, बाकी सामान व शराब यथावत थे। मैंने अपने सेठ को फोन पर पूरी जानकारी बताई, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सुबह थाना अधिकारी सरजिल मलिक ने शराब की दुकान के मालिक के समक्ष मौका स्थित देखकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर शराब व्यवसायी की ओर से किसी तरह की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी गई है। जागरूक टीवी के लिए साणे राव से नटवर मेवाड़ा की रिपोर्ट।